दोस्तों आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि शुरू के 10 से 15 मिनट चलता है, उसके बाद ये फ़ौरन अपने आप ही बंद हो जाता है, हैंग होता है। हैंग होने के बाद फ़ौरन बंद हो जाएगा ये। इसको सबसे पहले हम मदरबोर्ड को सफाई करते हैं, इस कंट्रोलर के आसपास का जो एरिया है इसको सफाई करते हैं। डस्ट की वजह से भी लैपटॉप बंद हो जाता है अपने आप। किसी आईसी की अगर पिन है, अगर डस्ट आ गई है पिनों पर, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं इसे अच्छे से पहले सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद इस मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड को हम फिज़िकली देखते हैं कि कहीं से कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, कहीं कहीं गल तो नहीं चुका है सर्किट वगैरह। इसको सही से देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, प्रॉब्लम कोई इसमें दिख नहीं रही, ये ठीक है, फ्रेश बोर्ड है। ठीक है, इसमें जो शुरू में मॉसफेट होते हैं सप्लाई वाले, तो वो अगर शॉर्ट हो जाए या कोई उसकी वजह से भी ये हैंग लैपटॉप होता है, अपने आप बंद हो जाता है हीट होकर। तो ये मॉसफेट, पहला मॉसफेट हम चेक करते हैं। ठीक है, पहला मॉसफेट चेक कर रहे हैं जो ठीक बता रहा है। ठीक है जी, इसके बाद एक मॉसफेट और आता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी ठीक है जी, ये वाला मॉसफेट भी सही दिखा रहा है हमें। एक चार्जिंग में सेक्शन में मॉसफेट लगा होता है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। जहाँ मल्टीमीटर हो ना वहीं अगर पर वो लगा हीट सर हो दो, जाए, दोनों शॉर्ट चीज़ें। हो और हीट हो के, लैपटॉप बंद हो जाएगा अपने आप चलते चलते शुरू में 10 से 15 मिनट के बीच में। ये भी ठीक दिखा रहा है, मॉसफेट तीनों ठीक है। ठीक है, अब अगर ये शुरू में ठीक है तो प्रॉब्लम अब हम सीपीयू की तरफ देखेंगे कि सीपीयू का पेस्ट तो नहीं सूख गया है, कहीं फ़ैन की अंदर डस्ट तो नहीं है, कि फ़ैन की स्पीड स्लो तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर बिल्कुल पेस्ट नहीं है और ये बिल्कुल सूख चुका है जो भी है। तो पेस्ट ना होने की वजह से सीपीयू हीट होगा, लैपटॉप बंद होगा। हीट सिंक और फ़ैन को अलग करेंगे हम, फ़ैन को सफाई करेंगे। फ़ैन की स्पीड स्लो होने की वजह से भी लैपटॉप बंद हो जहाँ सकता है, काम कर रहे हैं अपने आप हैंग भी होता है। तो इसको हम साफ़ करेंगे, अभी खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद ब्रश है, सही से हम साफ़ करते हैं। ठीक है जी, इसमें हल्की फुल्की डस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको सही से साफ़ कर लेंगे। हीट सिंक के अंदर होल होते हैं, होल बंद हो जाते हैं, जो हीटिंग हवा होती है, हीट वाली गर्म हवा होती है, वो बाहर आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसको साफ़ कर लिया है और अच्छे से इसे हीट सिंक के साथ फ़ैन को जोड़ दिया है। इसके बाद हम सीपीयू पर पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, पेस्ट लगाते हैं क्योंकि पेस्ट यहाँ पर है नहीं। पेस्ट ही हमने लगा रहे हैं, पेस्ट से ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए कि इससे आउट होगा। तो इसके बराबर में छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं सीपीयू के ऊपर, अगर उनके निगेटिव और पॉजिटिव पर ये पहुंच जाता है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए पेस्ट ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से लगाना चाहिए। अच्छा, कसते समय बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए हीट सिंक का, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा कस दिया है, एक तरफ कम कस दिया है। बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल सही से कसा होना चाहिए ताकि सीपीयू से हीट सिंक सही से अटैच हो सके और अपनी हीटिंग को, हीट सिंक ऑब्ज़र्व कर सके हीटिंग को सीपीयू की। ठीक है, इसके बाद फ़ैन लगा रहे हैं, फ़ैन लगा लेते हैं। और फ़ैन लगाने के बाद ठीक है, एक बार और साफ़ कर ले रहे हैं। और इस लैपटॉप में DDR3 का यूज़ किया जाता है। ये रैम DDR3 है, एल है और DDR4 है, 4 GB की है। DDR3 4 GB रैम है। मदरबोर्ड को अब पैक करने के बाद हम इसे ऑन करेंगे। पैक करते समय कुछ ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कनेक्टर को बिल्कुल सही से लगाना चाहिए। सबसे पहले सेट कर लेते हैं मदरबोर्ड को ठीक से। ठीक है, सेट करने के बाद
स्पीकर को लगा लेते हैं, और इसके बाद हम डीवीडी कनेक्टर है ये, और डीसी कनेक्टर, इस तरह से असेंबल भी हो गया। और ये जो स्क्रीन की केबल लगाते समय ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये केबल जो होती है वो सीधे सीपीयू से जाके मिलती है, अगर ये ठीक से नहीं लगी, कोई वायर इसका शॉर्ट हो गया, आपस में टकरा गए, तो फौरन सप्लाई देते ही जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो ख़त्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए इस केबल का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बहुत सुकून से आराम से लगाना चाहिए, इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। साइड से यूएसबी पोर्ट होते हैं, इसी केबल लगा दी हमने। इसके बाद लैपटॉप ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं भी होता है। फ़िलहाल ऑन हो गया हमारा लैपटॉप, ऑन तो पहले भी था, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बंद होने की प्रॉब्लम है, 15 मिनट के बाद बंद हो जाता है। फ़िलहाल ऑन हो गया है, अभी इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई नहीं है, दिखा रहा है कि वो डिवाइस नॉट फाउंड, तो हम इसमें हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। इसमें साटा हार्ड डिस्क है हमारे पास में, साटा हार्ड डिस्क को लगा लेते हैं। बहुत सही से लगाना चाहिए इसे भी, ओके। और लगाने के बाद अब हम इसे ऑन करेंगे और देखते हैं कि विंडो किस तरह से चलती है। थोड़ा समय ले रही है यहाँ पर विंडो ओपन होने में। इसके बाद हम सबसे पहले सीपीयू का टेम्परेचर वगैरह देखते हैं कि सीपीयू कितना हीट हो रहा है आसपास का, ऐसी कोई ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है। पैक करने से पहले ज़रूरी है कि इस तरह सब चेक कर लें, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सीपीयू का टेम्परेचर अभी तो काफ़ी नीचे है, 33 डिग्री है, और फ़िलहाल ठीक दिखा रहा है, ये ऐसे दिखा नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो अब लैपटॉप को हमने पैक कर लिया है तैयार, ठीक है, और इसको चलते हुए तकरीबन 30-35 मिनट भी हो गए हैं, बीच में वीडियो हमने रोक दी थी, और ये फ़िलहाल तो बंद नहीं हो रहा है, ओके हो गया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हीटिंग की प्रॉब्लम थी, सीपीयू ओवर हीट हो रहा था, और फ़ैन भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था डस्ट की वजह से, अब वो ठीक हो गया है और ये लैपटॉप ओके है। थैंक यू, नेक्स्ट मुलाकात जल्दी होगी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह।